नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने व्यू के थ्रू एक ब्लॉग क्रिएट किया था जिसमें अपनी कंटेंट की लिस्टिंग शो कराई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग व्यू में कैसे फिल्टर का यूज़ करते हैं ये इस वीडियो में कवर करेंगे। ये भी एक बहुत ही पावरफुल टूल या फीचर्स बोल सकते हैं आप, कि आपको अगर फिल्टर्स अपने व्यू में यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कंटेंट हमने जैसे यहाँ पर ऑल सेट लोड करा दिए हैं, जितने भी कंटेंट हमारे पास थे, अगर आप चाहते हैं कि केवल आर्टिकल हमें इस व्यू में अगर लोड कराना हो तो वो कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हमें केवल बेसिक पेज लोड कराने हो या ब्लॉग ही का ही केवल हमें व्यू बनाना हो, तो इस टाइप से भी हम अपने व्यू में फिल्टर का यूज़ करके हम उसको लोड करा सकते हैं जितने भी हमें हमारे पास रहेंगे। तो हम अपने व्यू में चलते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। देखिए, यहाँ पर ये फ़िल्टर क्राइटेरिया है। यहाँ पर अभी एक फ़िल्टर लगा है पब्लिश्ड, जो कंटेंट हमारे पास पब्लिश्ड है वही कंटेंट यहाँ पर शो होंगे। अगर आप इसको अनपब्लिश करते हैं तो अभी हमारे पास कोई अनपब्लिश कंटेंट नहीं है, तो कोई लिस्टिंग नहीं आ रही है। हम पब्लिश लेके चलते हैं, ये हमारे पास पब्लिश कंटेंट है। अब हम यहाँ चाहते हैं कि हमें केवल हमारे ब्लॉग्स ही यहाँ पर शो हों, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऐड फिल्टर में क्लिक करें, कंटेंट टाइप सेलेक्ट करें, अप्लाई करें। अब यहाँ पर देखिए, इज़ वन ऑफ क्या रहना चाहिए आपका कंटेंट टाइप जो आपको लिस्टिंग करानी है, वो चाहे आर्टिकल हो, चाहे बेसिक पेज हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे वेब फॉर्म हो। आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको आर्टिकल और बेसिक पेज ही लोड कराने हैं, तो वो भी आप सेलेक्ट कर करके लोड करा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए ब्लॉग और आर्टिकल हम अगर लोड कराते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉग है और एक आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल यहाँ पर, दो कंटेंट टाइप हमारे स्टोर हो गए। आप अगर एक कंटेंट टाइप ही अगर लोड कराना चाहते हैं अपने व्यू में, तो आप जैसे अभी ब्लॉग हम लोड कराते हैं तो ब्लॉग आ गया, ब्लॉग की लिस्टिंग हो गई। अगर हम चेक करें इसको फाइंड कंटेंट में, तो ब्लॉग हमारे पास दो ब्लॉग हैं, ये देखिए, और हमारे पास हमने दूसरा आर्टिकल लगाया था, तो कि हमारे पास आर्टिकल है नहीं इसीलिए लिस्टिंग दो आ रही थी। तो हम ब्लॉग लेके चलते हैं, इसमें दो आ गई, सेव। देखिए, अब जो आर्टिकल लोड हुआ वो ब्लॉग के ही आर्टिकल यहाँ पर, सॉरी, ब्लॉग के ही कंटेंट यहाँ पर लोड होंगे। व्यू पे चलते हैं, देखिए मैं सेव करता हूँ पहले। देखिए, अब इसकी लिंक जो अभी आ रही थी वो चली गई, तो एडिट व्यू पे क्लिक करके अगर कंटेंट में आप लिंक टू दिस फील्ड टू ओरिजिनल पीस ऑफ कंटेंट पे अगर आप उसको अनचेक कर देंगे, तो आप ये भी फीचर्स यहाँ से पाएंगे कि आप नहीं चाहते केवल लिस्टिंग आए, तो इस तरीके से होगा। और भी दोस्तों फीचर्स हैं जो कि आप फ़िल्टर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक और कॉमन फ़िल्टर यूज़ किया जाता है, प्रमोट टू फ्रंट पेज, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने व्यू में। यह पूछेगा आपको प्रमोट टू फ्रंट पेज जो कि प्रमोट हैं वो आपको लोड कराने हैं, या जो प्रमोट नहीं हैं फ्रंट पेज पे वो लोड कराने हैं। तो हम अपने नो को लेके चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो नहीं प्रमोट हुआ है,
चेक करने के लिए अगर आप इस प्रोजेक्ट ब्लॉग में एडिट पे, इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम होम पेज पे प्रमोट नहीं कराएंगे और सेव कर देंगे। सेव करना पड़ेगा एक बार व्यू। देखिए वो कंटेंट यहाँ पर आ गया जो कि हमारा होम पेज पे जो हमने अभी अभी अनप्रमोट किया था, वो कंटेंट हमारा यहाँ पर आ गया। दोस्तों ये वीडियो था कि हम अपने व्यू में किस तरीके से फ़िल्टरिंग यूज़ कर सकें। और भी कई तरीके के फ़िल्टर्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कि अगर आपको कमेंट काउंट के अबाउट के हिसाब से या कमेंट स्टेटस के हिसाब से, कि जिसमें कमेंट हो वही फ़िल्टर हो हो आपके व्यू में, तो उस हिसाब से भी आप फिल्टर का व्यू का यूज़ फिर अपना व्यू में आप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे कुछ और फीचर्स जानेंगे व्यू के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।